खबर राजगढ़ से। इनर व्हील वुमन पावर द्वारा कोरोना से जंग योग के संग योग शिविर का 5 दिवसीय आयोजन का मंगलवार को समापन हुआ। यह आयोजन 12 जून से आरंभ होकर 16 जून तक ओसवाल धर्मशाला में आयोजित हुआ। इस आयोजन में सुबह 6 बजे से 7 बजे तक बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। समापन पर क्लब द्वारा योग शिक्षक कमलेश सोनी का सम्मान किया गया। क्लब द्वारा शिक्षक सोनी को पौधा और मैट भेंट कर श्रीफल देकर सम्मान किया। इस आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। समापन पर सम्मान के पश्चात बाबू मामा ने कहा कि योग शिविर क्लब ने योग शिविर का आयोजन करना सराहनीय है, साथ ही सभी को योग से जुड़ना चाहिए और औरों को भी जोड़ना चाहिए। योग शिक्षक कमलेश सोनी ने उपस्थित लोगों को बताया कि योग ध्यान और औषधि से सबसे कारगर जो बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर कर देती है। अस्थमा हो, शुगर हो, चाहे बीपी हो, सभी गंभीर बीमारी में योग करने के साथ ध्यान भी करना चाहिए, साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा औषधियों से बीमारियों से मुक्ति मिलती है। राजगढ़ से विक्रम सिंह चावड़ा की रिपोर्ट। कोरोना से जंग योग के संग। कोरोना से लड़ने के लिए और इम्यून पावर बढ़ाने के लिए राजगढ़ में 5 दिवसीय शिविर पतंजलि हरिद्वार एवं वुमेन्स पावर राजगढ़ महिला मंडल के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें कई लोगों को योग के बारे में जानकारी दी गई और जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया। इसमें सभी ने योग से जुड़े रहने का संकल्प लिया है। आपका नाम? कमलेश सोनी, पतंजलि हरिद्वार, योग शिक्षक एवं योग प्रशिक्षक, योग निरीक्षक, राजगढ़ भारत। इनरवेल क्लब वुमेन्स पावर राजगढ़ द्वारा 12 से 16 तारीख तक योग शिविर लगाया गया, जिसमें कई लोगों ने इसमें भाग लिया, जिसमें महिलाएं, बच्चे और जेंट्स थे, बुजुर्ग भी थे। कमलेश जी सोनी द्वारा ये शिविर प्रशिक्षण दिया गया और अब 21 तारीख को योग शिविर लगाया जाएगा। योग दिवस के दिन में एकता जैन, वुमेन्स पावर प्रेसिडेंट।